अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ आज हमारा सबक है कूड़ेदान से इंटरव्यू। अब ये आप सोच रहे होंगे कूड़ेदान से इंटरव्यू, असल में ये इन्होंने इस अंदाज से ये आपका चैप्टर दिया है कि देखिए हर चीज़ जिस काम के लिए बनाई गई है ना, अगर वो उससे वो काम ना लिया जाए तो वो तो गलत बात है ना। तो उस वो चीज़ फिर उस काम के लिए जो बनाई गई, अगर उससे वो काम नहीं लिया जा रहा तो वो बेकार हो गई। और फिर ये क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि अगर कूड़ेदान की ज़बान होती तो वो क्या सोचता कि मुझे किस लिए बनाया गया, तो मुझसे तो वो काम लिया ही नहीं जा रहा। तो ऐसे जैसे जानवर हैं, जानवरों के साथ जिस तरह बुरा सलूक हम बाज़ोकत बच्चे कर जाते हैं या लोग कर जाते हैं, अगर उनको अल्लाह ताला ज़बान दे तो वो बेचारे बताएंगे तो हमारे साथ कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि कूड़ेदान को ज़बान दी कि अगर बिलफर्ज कूड़ेदान की ज़बान होती तो वो क्या कहता, उसके साथ क्या हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे। सही, चलें अब शुरू करते हैं अपना सबक कूड़ेदान से इंटरव्यू। यह है कूड़ेदान। एक बच्ची ने स्कूल के रिसाले के लिए एक कूड़ेदान का इंटरव्यू लिया। आप भी इसे पढ़ें और लुत्फ अंदोज हों। अब ये एक मज़ेदार भी है और ये कि हमें ये भी पता चलेगा कि अगर बिलफर्ज होती कूड़ेदान की ज़बान तो वो क्या कहता। चलें, मैं, अब वो बच्ची अपने आप को क्या कह रही है, मैं। हेलो कूड़ेदान, कूड़ेदान, हेलो। अब मैं, वो बच्ची अपने लिए क्या लिख रही है, मैं। क्या हाल है आपका, कूड़ेदान। जी बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं। क्यों भाई, आपको क्या हो गया, कूड़ेदान। क्या बताऊं मैं आपको, आप लोगों को हमारी जरूरत नहीं रही, मैं। क्या मतलब, कूड़ेदान। आपको मालूम है हम किस लिए होते हैं, मैं। जी हाँ, कूड़ा करकट डालने के लिए, कूड़ेदान। लेकिन क्या आप लोग हमारे अंदर कूड़ा डालते हैं, आप लोगों ने कूड़ा हम में डालने के बजाय यहाँ वहाँ डाला और हमारा ये हाल किया, मैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, कुछ तो अपने बारे में बताइए और समझाइए, कूड़ेदान। तो फिर सुनिए, जब मैं नया नया एक गली के कोने पर रखा गया था मैं बहुत खुश था, मैं समझ रहा था कि जैसा मैं हूँ वहाँ के लोग वैसे ही रखेंगे, मैं। मैं, फिर यकीनन रखा होगा, कूड़ेदान। जी नहीं, मैं अभी इस खुशफहमी में मुब्तला था कि एक बच्चा मेरी तरफ मुझे आता दिखाई दिया, मैं बहुत खुश था कि मेरा पेट भर जाएगा, मैं। पेट, कूड़ेदान। माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि मेरे अंदर कचरा डालेगा। मगर ये क्या, उस बच्चे ने कूड़ा मेरे करीब फेंका और उछलता कूदता चला गया, मैं। तो क्या किसी और ने कूड़ा उठाकर आपके अंदर नहीं डाला, कूड़ेदान। जी नहीं, मैं भी यही समझ रहा था, मगर एक और आदमी ने भी यही हरकत की, वो तो शुक्र है कि मेरा दोस्त आ गया और उसने सारा कूड़ा मेरे अंदर डाल दिया, मैं। आपका दोस्त कौन है, कूड़ेदान। आपको नहीं मालूम, मैं। जी नहीं, कूड़ेदान। भाई मेरा दोस्त जमादार है, भाई मेरा दोस्त जमादार है, वही तो है जो मेरा टेप, माफ कीजिएगा, पेट भरता है, मगर इस दिन के बाद वो भी नजर ना आया और मेरी हालत खराब होती गई और अब मेरी ये हालत हो गई है कि यहां से वहां खाली लुढ़क रहा हूं, मैं। मुझे आपकी आप बीती सुनकर बहुत अफसोस हुआ, कूड़ेदान। अब बताइए किसने मेरी ये हालत की है, मैं। इस सवाल का जवाब शर्मिंदगी से सोचती हुई वापस आ गई। क्या आप इस मसले का हल बता सकते हैं, अब ये बच्ची पूछ रही है कि ये जो हमारे यहाँ मसला है कि कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डाला जाता, इधर उधर डाला जाता है, इस मसले का कोई हल आप बता सकते हैं। आप सोचिए क्यों करते हैं ऐसे लोग, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए ताकि वो जगह भी साफ़ सुथरी रहेगी और कूड़ेदान में जब कचरा होगा
तो जमादार वहीं से आके उठा के सारा कूड़ा ले जाएगा और वो जगह साफ सुथरी रहेगी। और सफाई क्या है? निफ्स ईमान है। अब देखिए ये काम, इंटरव्यू, अपने स्कूल में मौजूद मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज के लिए सवालात बनाइए। तरीक़ेकार, अब वो आपको भी कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, अपने स्कूल में देखना है कि आप मुख्तलिफ शख्सियात, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ शख्सियतों को लेंगे और उनके इंटरव्यू करेंगे। और उन्होंने तरीक़ेकार बताया है, ग्रुप एक प्रिंसिपल का इंटरव्यू करेगा, ग्रुप टू मुअल्लिमा या मुअल्लिम यानी जो भी आपको उस्ताद होगा उसका इंटरव्यू करेंगे, ग्रुप थ्री स्कूल के सबसे छोटे बच्चे का इंटरव्यू करेंगे, ग्रुप फोर हेड बॉय या हेड गर्ल यानी आपकी जो स्कूल में मॉनिटर्स एक तो होते हैं और एक जो है वो असम्बली और इन तमाम चीज़ों को जो बच्चे देख रहे होते हैं वो हेड गर्ल्स और हेड बॉय कहलाते हैं, और चौथा ग्रुप चौकीदार, और ग्रुप सिक्स जो है आया यानी बुआ यानी वहाँ जो काम करने वाली हैं कैंटीन वगैरह का या जो आंटी होती हैं उनका इंटरव्यू। अब आगे क्या है, ग्रुप एक का लीडर बनाइए, बाकी तमाम जमात की राय से भी कुछ सवालात का इजाफा या कमी कीजिए, उन तमाम लोगों से जिनका आप इंटरव्यू करना चाहते हैं मुनासिब अंदाज और तरीके से वक्त और इजाज़त लीजिए। पहले तो उनसे जाके टाइम लेना होगा कि हमें आपका क्या करना है, इंटरव्यू करना है, सही। ग्रुप का हर बच्चा एक सवाल अलग छोटे कार्ड पर लिख कर ले जाए ताकि हर बच्चे को सवाल करने का मौका मिले। अब जो पूरा ग्रुप, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल का आप जो है इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो जो ग्रुप आपका है उसमें हर बच्चा अपना अपना सवाल अपने पास क्या कर लेगा, लिख लेगा, ताकि जब आप मिस के पास मैडम के पास जाएं तो आप आराम से जो है वो हर बच्चा अपना सवाल खुद करे। तो ग्रुप का हर बच्चा एक सवाल अलग छोटे कार्ड पर लिख कर ले जाए ताकि हर बच्चे को सवाल करने का मौका मिले। ग्रुप लीडर एक नोटबुक या कॉपी पर जवाबात या सिर्फ इशारे लिख ले और जवाबात बाद में मुकम्मल कर ले। अब यह है कि अगर जो बच्चा जो है वो जवाबात लिख रहा है तो या तो पूरा जुमला पूरी बात लिखें या फिर यह है कि छोटी छोटी अहम बातें लिख लें और बाद में उस जुमले को पूरा कर लें। जिसकी अच्छी राइटिंग हो, स्पीड अच्छी हो, वो लिखने का काम करें। मज़ीद आसानी के लिए टेप रिकॉर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अगर आप फौरी तौर पर जल्दी जल्दी नहीं लिख रहे तो टेप रिकॉर्डर ले जाते हैं, जैसे अब ये जो है वो टीवी वगैरह पे जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी इस अंदाज से लेते हैं कि वो टेप रिकॉर्डर ले गए, या फिर अगर राइटिंग तेज़ है तो जल्दी जल्दी लिख लिया तो टेप रिकॉर्डर भी ले जा सकते हैं कि उसमें आपने जो है वो बात पूरी रिकॉर्ड कर ली फिर बाद में उसे लिख लें। मज़ीद आसानी के लिए टेप रिकॉर्डर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर ग्रुप अपने इंटरव्यूज़ जमात में बारी बारी सुनाए। अब जब ये इंटरव्यू हो, हर कोई, जैसे अब किसी ने जो है वो आंटी का लिया है, ये जो काम कर रही हूँ उनका लिया है, या किसी ने मिस का लिया है, या किसी ने प्रिंसिपल का लिया है, जिस जिस ग्रुप ने जो जो काम किया है, अब सब अपनी क्लास में एक बच्चा उस ग्रुप का खड़ा हो जाए और वो इंटरव्यू जो लिया है वो सुनाए। इनफरादी काम, आपने कूड़ेदान का इंटरव्यू पढ़ा, ये एक फ़र्जी इंटरव्यू था, यानी ऐसा होता नहीं है, कूड़ेदान बोल नहीं सकता, लेकिन फ़र्ज कर लिया हमने कि शायद इसकी ज़ुबान है और अगर इसकी ज़ुबान होती तो ये क्या बोलता। नीचे लिखी गई चीज़ों में से किसी एक का फ़र्जी इंटरव्यू कीजिए। अब इनमें से आप किसी भी एक को ले लें और उसका फ़र्जी इंटरव्यू बता कीजिए, यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर का इंटरव्यू आप लें, आप अपने लिए मैं लिखेंगे और फिर उसके बाद कंप्यूटर जो जवाब देगा वो आप लिखेंगे, यानी आप कंप्यूटर से पूछ सकते हैं, सवाल करें और फिर खुद सोचेंगे कंप्यूटर मुझे क्या कहेगा। इसी तरीके से दरख्त का इंटरव्यू ले जा सकता है कि दरख्त है, दरख्त आप मैं करके अपने सवाल लिखें सामने और फिर सोचें कि दरख्त मुझे क्या जवाब देगा, तो वो जवाब लिखें। इस तरह फर्जी इंटरव्यू दरख्त का, पेंसिल का, जूता, बस्ता, बाइसाइकिल, इनका आपने जो है वो इंटरव्यू खुद अब करना है। ये तो ग्रुप वाले हैं और ये क्या है, हर एक अपना अपना खुद सेलेक्ट करे कि वो किसका इंटरव्यू लेगा फर्जी तौर पर। तो ये था आपका सबक इंटरव्यू, कूड़ेदान का इंटरव्यू हमने किया और देखा, और अब ये है कि हमने ये देखा कि हम कैसे किसी दूसरे का इंटरव्यू ले सकते हैं, तो ये आप करके देखिएगा और फिर ये है कि जिसका सबसे अच्छा होगा तो जाहिर है उसको जो है वो देखेंगे कि किसने कितनी सलाहियत दिखाई और किसका जो है वो अच्छा इंटरव्यू बनाया, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उसको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।